यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आज का है हमारा टॉपिक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है कविता कैदी और कोकिला। क्या नाम है बेटा कविता का? कैदी और कोकिला, और कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ये बेटा गांधीवादी जो विचारधारा है उन का जो है इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। किसका? गांधीवादी विचारधारा का। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है बेटा, वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। तो इनके गांव का नाम है बाबई, इनका प्रदेश है मध्य प्रदेश, और होशंगाबाद जिला, जिला होशंगाबाद, गांव बाबई, और स्टेट है मध्य प्रदेश। जैसे आप हरियाणा के निवासी हो, वैसे ही माखनलाल चतुर्वेदी जी कहाँ के थे? मध्य प्रदेश से जो है बिलोंग करते थे। इनका जन्म हुआ है बेटा 1889 में, 89, 1889। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। जब वे 16 वर्ष के थे तब वो शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने अपनी प्रभा पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने एक मैगजीन निकाली बेटा, प्रभा। क्या नाम था इनकी पत्रिका का? प्रभा। तो उनका जो है इन्होंने संपादन किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। तो ये जो है एक देशभक्त कवि भी थे और पत्रकार भी थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी जो है संपादन किया। जो हमारे समाचार जो पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे, करमवीर और प्रताप, इनका भी जो है इन्होंने संपादन किया। प्रभा का जो पत्रिका थी वो तो इन्होंने ही निकाली थी, और करमवीर और जो प्रताप है इनका भी जो है समाचार पत्र और पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। जन्म 1889, देहांत 1968। कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने? प्रभा इन्होंने ही निकाली थी, करमवीर और प्रताप। बच्चों ध्यान से आपने करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपके फिर एग्जाम में आते हैं 1-1 मार्क्स के। तो ध्यान से आप जो है क्वेश्चन आ सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो है कौन सी पत्रिका निकाली? प्रभा पत्रिका। और ये कितने वर्ष की आयु में शिक्षक बन गए थे? 16 वर्ष की एज में जो है, 16 वर्ष की आयु में ये शिक्षक बन गए थे। और आप 16 के क्या है 10th पास करते हो, और ये टीचर बन गए थे। तो वे देशभक्त एवं प्रखर कवि पत्रकार भी थे। देशभक्त कवि थे और प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप जो है पत्रिकाओं का भी संपादन किया। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो कौन कौन सी है बेटा? हिमकृतनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु, लो गूंजे धरा। क्या है रचनाएं इनकी? हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु, लो गुंजे धरा, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है, और इनको जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? तो कौन से कवि हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। जो इनकी रचनाएं हैं, जितनी भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जैसे आप कैदी और कोकिला भी जो है पढ़ोगे, तो ये किससे ओतप्रोत है? ये राष्ट्रीय भावना से जो है उत्प्रोत है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्योंकि स्वतंत्रता की चेतना तो उनके अंदर थी ही,
और देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी उनके अंदर मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इस उपनाम में उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। इस उपनाम से वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है कई बार जेल भी गए थे। तो उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनके अंदर जो है स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना थी, इसलिए जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई बार जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने जो है भक्ति प्रेम प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं कि कविता में जो है सुंदरता की शब्दों की सुंदरता के तुलना में वे भाव को अधिक महत्व कि कविता की सुंदरता ये अलंकारों का प्रयोग छंदों का छंद विधान इस प्रकार का जो है उनकी कविता में सौंदर्य की बजाय किस पर जो है बल दिया जाता है बेटा किस पर? उनकी जो कविता है उनमें भावों पर बल के दो फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है कि उन्होंने जो है अपनी कविता में तत्सम शब्दावली तत्सम मैंने आपको कई बार बताया बेटा जो संस्कृत के शब्द हिंदी में जो के तो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं उनमें तत्सम शब्दों के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ कि इनकी जो कविता है उसमें संस्कृत शब्दों का बहुत कम प्रयोग मिलता है क्योंकि बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी जो है शब्दों का प्रयोग इनकी कविता में मिलता है। इनकी एक पंक्ति है बेटा, एक कविता है इनकी पुष्प की अभिलाषा, शायद आपने सुनी भी होगी किसी बच्चे ने पुष्प की अभिलाषा, इनकी एक कविता है तो उसकी एक पंक्तियां मुझे याद आ रही है। तो वो क्या है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कि मैं पुष्प बनना चाहता हूँ और यह वन के माली मुझे उस रास्ते पर फेंक देना तोड़कर जिस रास्ते से मातृभूमि पर अपनी जान नौछावर करने करते हुए अनेक वीर जाते हैं। कितनी सुंदर लाइनें इन्होंने लिखी हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो जो ब्रिटेनी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। तो जो कैदी और कोकिला कविता है वो अंग्रेजों के ब्रितानी उपनिवेशवाद का मतलब है, यहाँ अंग्रेजों के शोषण तंत्र का जो है बहुत बारीकी से विश्लेषण करती है कि जो अंग्रेज है वो किस प्रकार का भारतीयों के साथ व्यवहार करते थे, तो इस कविता में जो है इसका वर्णन किया गया है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि जो कैदी और कविता कैदी और कोकिला जो कविता है बेटा उसमें जो है कैदी और कोकिला कविता में क्या किसका वर्णन किया गया है, भारतीय जो स्वाधीनता सेनानी थे उनको उनको जेल में डाल दिया गया था और उनके उनको जो यातनाएं दी जाती थी उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था उसका जो है बिल्कुल रहस्यात्मक वर्णन किया गया है कविता में। कवि जेल में एकाकी और उदास है, कवि जो है वो जेल में अकेला है और उदास है। तो कोयल से अपने मन का दुख असंतोष और अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है। तो कवि जो है अपने मन का दुख किसके सामने प्रकट करता है, कोयल के सामने प्रकट करता है और कहता है कि यह समय जो है
यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति के गीत सुनाने का है। कोयल को क्या कहता है कि यह समय जो है, जिस समय तुम मधुर गीत गा रही हो, यह समय मुक्ति के गीत गाने का है, न कि मधुर गीत गाने का। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। कवि को ऐसा लगता है कि कोयल है वो भी पूरे जो है देश को एक जेल के रूप में देखने लगी है, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य में जो पूरा देश है वो क्या हो गया है, एक जेल की तरह हो गया है, क्योंकि कोई अपनी मनमानी तो कर ही नहीं सकता। इसलिए आधी रात में चीख उठी है, जो कोयल है वो आधी रात में ही चीख उठी है, क्योंकि कोयल को पूरा देश जो है वो एक कारागार लगता है, जेल लगता है। तो आइए बेटा, अब हम कविता शुरू करते हैं। तो आप जो है पेज नंबर 107 ओपन करेंगे, अपनी पुस्तक जो है अक्षितिज का पेज नंबर 107। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, तो यहाँ कौन किससे बात कर रहा है? कैदी माखनलाल चतुर्वेदी जो है स्वतंत्रता संग्राम के कारण जेल में है, और वो किससे बात जाती हो। प्रश्न शैली में जो है कवि पूछता है कोयल से, क्या गाती हो कोयल, और क्यों रह रह जाती हो, कि हे कोयल कि तुम क्या गा रही हो, और कुछ गाती हो और फिर चुप हो जाती हो, रह रह जाती हो, कि एक बार तो तुम कुछ गाती हो और फिर तुम चुप हो जाती हो, क्यों थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है तुम कूक रही हो। कोयल बोलो तो कि हे कोयल मुझे तुम बोल कर बताओ कि तुम जो है क्या गा रही हो, और कुछ कूक कर फिर तुम चुप हो जाती हो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोयल बोलो तो कि तुम अपनी बात एक साथ क्यों नहीं कह पाती, कि तुम रह रह कर एक बार चुप हो जाती हो, एक बार फिर बात करती हो, तो इस कारण तुम अपनी बात जो है लगातार क्यों नहीं कह रही हो, एक साथ क्यों नहीं बता रही हो। कोयल मुझे बोल कर बताओ कि तुम क्या गा रही हो, और एक बार बोल जाती हो और फिर चुप हो जाती हो, कूकती हो चुप हो जाती हो, कूकती हो चुप हो जाती हो, तुम एक साथ अपनी बात क्यों नहीं बता रही हो। कोयल मुझे बोल कर बताओ, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोयल बोलो तो कि तुम क्यों रह रह कर चुप हो होकर बताती हो। अरे कोयल बताओ कि तुम जो है अपने साथ किसका संदेशा लाई हो, और तुम किसकी बात मुझे सुनाना चाहती हो। क्या लाती हो संदेशा किसका, कि हे कोयल, कोकिल क्या होता है बेटा, कोयल, कि हे कोयल तुम मुझे बोल कर बताओ कि तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, और तुम किसको जो है अपनी बात सुनाना चाहती हो, तुम किसकी बात मुझे सुनाना चाहती हो और किसका संदेशा लेकर आई हो। तो यहाँ पर जो है प्रश्न शैली जैसा आपको बेटा दिखाई दे रहा है, तो वहां पर यहाँ पर जो है कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है, प्रश्न शैली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है बेटा, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि जो मैं जेल में बंद हूं तो मेरे चारों ओर क्या है, ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं,
मैं तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूं, क्योंकि जो कवि है वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने उसको जेल में डाल दिया गया है। तो कवि बताता है किसको, कोयल को, कि मैं तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हूँ, डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में, कि जहां डाकू चोर और राह चलते को लूटने वाले। बटमार क्या होते हैं बेटा? राह चलते को लूटने वाले। जैसे पहले जंगल के रास्ते से लोग आते जाते थे, तो जंगलों में जो है छुपे होते थे जो, और उनको जो है यात्रियों को मार देते थे, उनका धन लूट लेते थे, तो उनको कहते थे बटमार। तो कहता है कि मैं तो चारों ओर से ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे से घिरा हुआ हूँ। कौन घिरा हुआ है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। और वो किसको बताता है ये बात? वो बताता है कोयल को, कि मैं तो चारों ओर से जो है चार चोरों, डाकू, लुटेरों और बटमारों के, जो रास्ते में यात्रियों को लूट लेते हैं, उनको कहा जाता है बटमार। और मेरे चारों ओर मैं तो इनसे भी घिरा हुआ हूं, मेरे चारों ओर काली ऊंची ऊंची दीवारें तो हैं ही। जीने को देते नहीं पेट भर। और जो ये जैसे आप फरमाबरदार हैं, और जो है तो अब मैं घिरा हुआ हूं, और कारागार जो है जेल अदे हैं, पेट में है हम, हाँ जेल में हम भूखे मरते हैं, मरने देते हैं कौन? अंग्रेज। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लाइन, जीवन पर अब मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, कि हम तो तड़प कर रह जाते हैं। और यहाँ पर बेटा हमारा जो है कौन सी बोली है? खड़ी बोली का जो है प्रयोग है, और हम कह सकते हैं कि जो तत्सम तद्भव जो है शब्दावली है, और अभिधा शब्द शक्ति है, और प्रसाद हमारा गुण है। यहाँ पर अगर हम काव्य सौंदर्य इसका देखेंगे तो कोकिल क्या है हमारा? तत्सम शब्द है ना, कोकिल संस्कृत का शब्द है। तो इस प्रकार जो है कविता में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। अब देखिए जैसे कोकिल बोलो तो यह बार बार जो है प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हो गया हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब एक उक्ति दोबारा प्रयोग होती है तो कौन सा अलंकार होता है वहां पर? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बच्चों? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कोकिल बोलो तो। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, कि जो अंग्रेजों द्वारा जो है नियुक्त किए गए हैं कारागार के जो अधिकारी है, वो हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा देते रहते हैं। यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या अंधकार? तम क्या होता है? अंधकार। यह अंग्रेजी शासन है या अंधकार का गहरा प्रभाव है? मैं समझ नहीं पाता कि यह अंग्रेजी शासन की कैसी व्यवस्था है, या यह घोर अंधकार है, अन्याय है हमारे साथ, या यह उसका प्रभाव है अन्याय का। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर क्या होता है? चंद्रमा। हिमकर, तो चंद्रमा भी जो है वो निराश होकर चला चला गया है, और रात बिल्कुल काली हो गई है, कि चंद्रमा का जो थोड़ा बहुत प्रकाश था वह भी जो है चला गया है, और रात बिल्कुल काली हो गई है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली? आली क्या होती है? सखी। तो कोकिल बेटा, कोयल, बटमार क्या होते हैं? रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले। तम क्या होता है? अंधकार। हिमकर होता है चंद्रमा, और काली माँ मई मींस काली, और आली होता है सखी। तो क्या कहता है कवि माखनलाल चतुर्वेदी? कि जो चंद्रमा है वो भी निराश होकर अंग्रेजों की इस प्रवृत्तियों को देखकर, इस काले अंधकार को देखकर, उसकी शासन प्रणाली को देखकर जो है निराश होकर चला गया है,
और रात बिल्कुल काली हो गई है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। तो इस काली रात में हे सखी, तो कोयल को कवि जो है अपनी सखी कहता है, आली मीन्स सखी, कि इस काली रात में हे सखी तुम क्यों जगी हुई हो, इस समय आधी रात को तुम क्यों कूक रही हो, क्यों भूक रही हो, वेदना बोझ वाली सी कोयल बोलो तो क्या लूटा, कि तुम जो तुम्हारी वेदना है। कवि कोयल से पूछता है कि तू अचानक कूक पड़ती है, और जो तेरी पीड़ा है, वेदना क्या होता है पीड़ा, हूक क्या होता है दुख में चीखना, क्यों हूक पड़ी। तो हूक क्या होता है बेटा, जब दुख होता है और उसके अंदर से जो है चीख निकलती है जो दुखी है, तो क्यों हूक पड़ी, कि वेदना बोझ वाली सी, कि हे कोयल मैं तुम्हारे से पूछता हूं कि तू अचानक क्यों कूक पड़ती है, क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे जो है बोझ तले दबा रहा है, क्या तुझे कोई इतनी अधिक पीड़ा है जिसका बोझ तेरी आवाज में तेरी चीख में सुनाई दे रहा है, कोयल मुझे बोल कर बताओ कि तुम्हारा क्या लूट गया है, तुम्हारा क्या लूट लिया गया है, तुम्हें क्या दुख है, वेदना होती है पीड़ा, कि तुम्हें जो है कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें दुखी कर रही है, तुम्हारे ऊपर जो है दुख का कौन सा ऐसा बोझ है जिसके तले तुम दबी हुई हो, जिसके नीचे तुम दबी हुई हो, मुझे बोल कर बताओ कि तुम्हारा क्या लूट लिया गया है। कौन पूछता है, कभी पूछता है कोयल से। देखिए बेटा, अगर आप देखें तो सारी जो कविता है जो आपने पैसेज पढ़ा है, तो उसमें क्या है हमारा लयात्मकता है दीवारों में, उसके बाद भी जो लय बन जाती है, मान है का गुण जो है वैसे अलंकार है, और खड़ी बोली का प्रयोग है, और तत्सम तत्व तो ये हो जाएगा काव्य सौंदर्य। और अगर भाव सौंदर्य लिखना पड़े तो भाव सौंदर्य में क्या है कि जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, वो रात में कोयल की उपस्थिति अनुभव करता है और उसको संबोधित करता है कि कारागार में बाकी सब तो सो रही हैं और मैं जाग रहा हूँ, और तू भी जो है आधी रात में कूक रही है, तो तेरे कूकने का क्या कारण है। और कोयल जो है, कवि जो है अनुमान लगाता है, अंदाजा लगाता है अब कि शायद जो है ये कोयल के चीखने की वजह हो सकती है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोयल बोलो तो क्या लूटा, कि तुम्हारा क्या लूट लिया गया है, हे कोयल मुझे बोल कर बताओ, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो। मृदुल क्या होता है बेटा, कोमल। कोयल तुम तो कोमल वैभव की रक्षा करने वाली हो, रखवाली करने वाली, रक्षा करने वाली, कि तुम तो कोमल वैभव, वैभव मतलब वैभव होता है बेटा मौज मस्ती, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होना, तो तुम तो कोमल वैभव की रक्षा करने वाली हो, कोयल बताओ तुम्हें भी क्या दुख हो गया है, तुम भी जो है अपनी पीड़ा क्यों व्यक्त कर रही हो, तो हे कोयल मुझे बोल कर बताओ कि तुम्हें क्या कष्ट हो गया है, तुम तो कोमल वैभवों की रक्षा करने वाली हो, कोयल मुझे बोल कर बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, तो के हे कोयल क्या तू तो पागल हो गई है जो आधी रात को चीख रही है, कोयल मुझे बोल कर बताओ। अर्धरात्रि क्या होता है, आधी रात को, बावली मीन्स पागल, कि हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चिल्ला रही हो, कोयल मुझे बोल कर बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोयल बोलो तो। दावानल क्या होता है, जंगल की आग।
एक जठरानल होता है, एक बड़वानल होता है बेटा। जठरानल होता है पेट की आग, दावानल जैसे आपने पढ़ा वो क्या होता है जंगल की आग, और जठरानल शब्द होता है एक, ये एक ही प्रकार के शब्द हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जठरानल होता है पेट की आग और बड़वानल होता है समुद्र की आग। तो कहता है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी किससे, कोयल से, क्या तुम्हें जंगल की आग दिखाई दे रही है इसलिए तुम चिल्ला रही हो, क्या तुम्हें जंगल में आग लग गई है और वो ज्वालाएं जो है तुम्हें दिखाई दे रही हैं इसलिए तुम चीख हो चिल्ला रही हो, कोयल मुझे बोल कर बताओ कि समस्या क्या है, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं मेरे चारों ओर जो है मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं और मुझे जो है लोहे की जंजीरों से जकड़ा गया है, क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं जो है चारों ओर से लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, लेकिन ये हथकड़ियां नहीं है ये तो अंग्रेजी राज का गहना है मेरे लिए, मैं समझता हूं कि यह गहना है कि अंग्रेजी राज द्वारा जो ये जंजीरें मुझे पहनाई गई हैं, क्या गहने पहनाए हैं, फूलों का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर फिर प्रयोग हुआ है, तो आली का मतलब क्या है बेटा, सखी सहेलियम की जो कवि है वो कवि जो है वो अपनी सखी कोयल को बताता है कि तुम्हें ये जो मेरी जंजीरें दिख रही हैं ये जंजीरें नहीं हैं, ये हथकड़ियां नहीं हैं, ब्रिटिश राज द्वारा मुझे पहनाए गए गहने हैं। जब हम कोल्हू चलाते हैं तो उसकी जो आवाज निकलती है, चरक चू की आवाज जो आती है जब हम मतलब जेल में जो कैदी हैं उनसे कोल्हू चलवाया जाता है, जैसे बैल जो है खींचते हैं, तो पशुओं वाले काम भी जो है उन कैदियों से करवाए जाते हैं। तो जो कोल्हू जब हम चलाते हैं और उससे जो चरक चू की आवाज आती है, तो उस चरक चू की आवाज में भी हमें जीवन की तान सुनाई देती है और उसमें हमें जीवन को जीने का उत्साह भी मिलता है। हम ईंट और पत्थरों को हथौड़े से तोड़ते हैं तो हमारी जो उंगलियां हैं, उंगलियों पर उनके द्वारा जो चोटों के रूप में जो गीत लिखे गए हैं, जो हम जब हमारे से ईंट और पत्थर तुड़वाए जाते हैं तो हमारे जो उंगलियां हैं उनमें गिट्टी पड़ जाती है, मीन्स जो बहुत सख्त हो जाती हैं, तो वो भी हमें गीत दिखाई देते हैं जैसे उन चोटों के रूप में गीत लिखे गए हूँ। मैं जो है जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना पीसता हूँ, मैं हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं इससे परेशान नहीं होता कि हमारे से जो है जानवरों की तरह काम करवाया जाता है और हमारी छाती से फीता बांधकर हमारे से चूना पिसवाया जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमारे ऊपर जो है इतने जुल्म ढाते हैं लेकिन फिर भी हम
जो है उनके सामने उफ तक नहीं करते और उनकी अकड़ टूट जाती है कि जितने वो जुल्म ढाते हैं हमारे ऊपर हम उन्हें उनके सामने प्रदर्शित नहीं करते। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि हे सखी तू, मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी राज के पहरेदार जो है मेरी पीड़ा को देखें और कोयल रूपी जो मेरी सखी है इसलिए रात के अंधेरे में गजब ढा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि दिन में तो जो है अंग्रेजी राज, अंग्रेजी जो साम्राज्य वाले लोग हैं, अंग्रेजी पहरेदार जो हैं, वो हमें देख लेंगे कि हम अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हे सखी तुम रात में गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोयल बोलो तो। इस अंत समय में अंधकार को भेद कर क्यों रो रही हो, हे कोयल मुझे बोल कर बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज संभाती बो रही हो, क्यों कोयल मुझे बोल कर बताओ। कि तुम चुपचाप अपनी कूक से जो विद्रोह के